आज हम बना रहे हैं छोले और आलू को मिक्स करके उसकी सब्जी। मैंने छोले और आलू को गर्म पानी में डाल दिया। जितना ग्रेवी में आप पानी डालना चाहते हैं उतना पानी ले लें और इसको बॉइल्ड वाटर में डाल दें, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना। दही का छौंक देंगे। टमाटो प्यूरी मैंने बना दी है जिसको हम मसालों के साथ सेकेंगे। अदरक है, हरी मिर्च है और ये कच्ची हल्दी है। नमक, धनिया पाउडर, हल्दी, हींग, सौंठ पाउडर और लाल मिर्च। मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करें। धनिया पत्ती हम सजाने के लिए रखेंगे। घी में बनाऊंगी। घी मैंने गरम कर लिया। सबसे पहले हम इसमें जीरा डालेंगे। अदरक और हरी मिर्च अब इसमें टमाटर प्यूरी डाल दें। साथ ही मसाले भी सेक लें। तब तक सेकेंगे जब तक ये ग्रेवी घी न छोड़ दे। ग्रेवी बहुत अच्छे से सिक गई है, इसने घी भी छोड़ दिया। अब हाथ से फेंटा हुआ 2 चम्मच दही डाल दें और इसको बराबर चलाते रहें। ये इसको दही को हमें बराबर चलाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर हम नहीं चलाएंगे तो ये दही फट जाएगा हमारी सब्जी में और टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, इसलिए इसको बराबर चलाते रहें। मसाला बहुत अच्छे से सिक गया, इसने घी भी छोड़ दिए। अब ये जब हमने बॉयल्ड वाटर में आलू और चने डाल के रखे हुए इनको डाल दें और अच्छे से बॉयल दिलवाएँ। बॉयल आने के बाद फिर हम इसको लो फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे। सब्जी बहुत अच्छे से पक गई है। मैंने इसको फ्लेम लो करने के बाद भी इसको 10 मिनट तक अच्छे से कुक कर लिया। अब इसमें हम गरम मसाला, चाट मसाला और धनिया पत्ती को मिक्स करेंगे और फिर ये सर्व करेंगे।